कि जिसकी सबसे आला जो सबसे ज्यादा आला जात है उससे बढ़कर जो कोई शय है ही नहीं, वो कसम खा रहा है एक ऐसी शय की कि जो बुलंदी से टूट कर पस्ती की तरफ जाए। तवज्जो यार, क्या कह रहा परवरदिगार आलम? कसम है मुझे उस टूटते हुए सितारे की कि जब वो टूटा और चला किसी बुलंद तरीन दरवाजे की तरफ, मैं कहूंगा पाने वाले तेरी जात आला, तू बुलंद, तू सबसे अजीम, तू कसम भी खा रहा है तो एक ऐसी शय कि जो बुलंदी से टूट कर पस्ती की तरफ जा रहा है। जबकि आजकल के जमाने में या किसी भी जमाने में देख लीजिए, कोई भी इंसान पस्ती पर पसंद नहीं करता, वो बुलंदी की तरफ बढ़ता है, बुलंदी को पसंद करता है। हद तक एक बच्चा भी अगर जीना चल रहा हो और आप उसे नीचे आने की दावत दे दे तो बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा बुलंदी की तरफ जा रहा है, आपने उसे पस्ती की दावत दे तो मालूम यह हुआ कि पस्ती को एक बच्चा भी पसंद नहीं करता। तो फिर वो खालिके कायनात ये पस्ती क्यों पसंद कर रहा है? तवज्जो दान मतलब ये पस्ती क्यों बुलंद कर रहा है? पाले वाले, तू सलसबीर की कसम खा लेता, कौसर की कसम खा लेता, जन्नत की कसम खा लेता, कुछ हद तक ठीक था, लेकिन ये तूने टूटते हुए सितारे की कसम खाई। अच्छा खाई तो उस वक्त खाता कि जब वो सितारा आसमानों की जीनत बना हुआ था, सुभान अल्लाह, जब सितारों की अंजुमन में वो चमक रहा था उस वक्त खाता कसम, वाह वाह। लेकिन तूने उस वक्त कसम खाई कि जब वो टूट कर चला पस्ती की तरफ। पाले वाले, माजरा क्या है? जब नहीं परवरदिगारे आलम आवाज दे, नादान तुझे मालूम नहीं, कभी कभी पस्ती पर जाना भी बुलंदी से ऊंचा मकाम होता है। तुझे मालूम नहीं ये सितारा टूट कर जा तो रहा है पर बस्ती पस्ती की तरफ नहीं जा रहा, ये एक ऐसी बुलंदी की तरफ जा रहा है कि जिस जो उस दर पर जा रहा है कि जिस दर पर अगर ये सजदे कर दे तो इसका जिक्र ता कयामत तक होगा। सलावत पर मोहम्मद, ये पस्ती की तरफ नहीं जा रहा बल्कि बुलंदी की तरफ जा रहा है।